हाय गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट फुल टाइम एमबीए एंड फुल टाइम पीजीडीएम। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो गो अहेड एंड चेक दैट आउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मोर एमबीए प्रोग्राम्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड योर वन ईयर एमबीए। आर दे डिफरेंट? आर दे द सेम? डू दे हैव द सेम वैल्यू एंड इम्पैक्ट एज अ फुल टाइम एमबीए, फुल टाइम पीजीडीएम? चलो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले उठाते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए। एग्जीक्यूटिव एमबीए में द टर्म है एग्जीक्यूटिव, दैट बेसिकली मीन्स दिस इज मेंट फॉर पीपल जो ऑलरेडी मिड लेवल या सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रहे हैं, राइट? एंड दे वॉन्ट टू गो अप द लैडर, राइट? दे वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दैट पोजिशन एंड मूव अहेड इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में ऊपर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एमबीए स्पेसिफिकली है। आई अंडरस्टैंड कि सर, नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो यू वुडंट वॉन्ट टू लीव दैट जॉब एंड देन गो डू एन एमबीए, क्योंकि यू डोंट, वी नेवर नो द फाइनेंशियल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, यू नो, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट फैक्टर इन, राइट? एंड व्हाई वुड यू वॉन्ट टू लीव यू नो कंफर्टेबल जॉब एंड देन टेक अ रिस्क एट इट, राइट? सो दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पीपल जो ऑलरेडी वर्किंग क्लास है, जो ऑलरेडी मिड लेवल या सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंड दे वॉन्ट टू गेट इन टू मैनेजरियल पोजिशन, दे वॉन्ट टू गेट इन टू द मैनेजमेंट, राइट? तो ये उन लोगों के लिए है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यू गेट टू अपग्रेड योर स्किल्स इन योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री या योर स्पेसिफिक फील्ड जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स से इफ यू आर यू नो मिड लेवल सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशंस, तो यू गेट टू इम्प्रूव, यू गेट टू मूव अहेड इन ऑपरेशंस बाय यू नो टेकिंग अप दिस कोर्स, राइट? तो हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर यू नो एग्जीक्यूटिव्स या जो पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, उन लोगों के लिए कैसे हेल्प कर रहा है? वन, लाइक आई सेड, आपका जो कोर्स होगा, आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा विल बी बेस्ड ऑन व्हाट इंडस्ट्री यू ऑलरेडी वर्कड ऑन। दैट बेसिकली मींस आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट नहीं जाएगा। लेट्स से यू स्पेंड 5 years, 6 years वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, लेट्स से यू डन 5 years ऑफ ऑपरेशंस, राइट? एंड देन यू एंड अप डूइंग फिनेंस, एमबीए इन फिनेंस, तो फिर वो वहाँ पे एक लैप्स आ जाता है, राइट? देयर इज एन इम्बैलेंस के आपने 5 years spend किए हैं in operations. Now when you start with finance, again you have to start from the scratch. तो आपके ये 5 years are technically not counted, है ना? तो in that case, what happens is, if you end up doing an MBA in operations after the 5 years of work, then you get not just the industry experience, but also your you know technical knowledge, MBA का knowledge आपको मिलता है, and you get the network, you get your placements, all of that would help you shoot up, right? So instead of moving gradually, you immediately after 5 years you quickly go up an exponential growth, right? So that's what an executive MBA does for you, yeah? So usual experience jo hota hai is between 3 to 12 years, but then there are a lot of B schools jinka specific you know work experience ka limit hota hai, right? For example, ISB requires a 5 years work experience. So I would recommend ke before you go ahead and think about this, this is especially for working professionals, before you start thinking about this, go ahead and check into your preferred कॉलेज का वेबसाइट कि ये कोर्स जो है, एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स जो है, उनका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स ड्यूरेशन, राइट? तो नॉर्मली 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स के बीच में होता है, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच का ये कोर्स होता है। तो यू वुड बी अगेन वंडरिंग कि सर, 2 साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी, विल आई हैव टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर दीज 2 ईयर्स? यू डोंट रियली हैव टू। अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स प्रोवाइड कोर्सेस, वन in your town, yeah, the closest city that you are in, right? Number two, the kind of course happens on a weekend basis also. So aap weekends pe jao, classes attend karke aa jao, right? Or if you're looking for say you know part-time courses in the evenings, yeah, aapka work time morning mein hai, evening. So depending upon the kind of B school, again ye depend karta hai the kind of B school you're looking for and the kind of offers that they give in terms of the flexibility of the time, right? And to our benefit, they also give some of the curriculum online as well, है ना? तो आपको online basically means you don't have to be physically present somewhere. आप अपने घर पे बैठ के या wherever you're sitting, you can attend the classes live or as part of a recording as well, right? So this gives you best of both worlds. You do not have to leave the job. At the same time, आपको आपका MBA का सपना भी पूरा करने को मिलता है, right? So like I said, experience का जो minimum cut off है, minimum work experience required है, that you'll have to go check out in the ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? उसका ब्रोशर में देखो, गो टू दैट कोर्स, गो टू द ब्रोशर एंड चेक फॉर मिनिमम कट ऑफ, या नाउ डज इट मीन कि अगर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर, डज इट मीन मेरे को ऐसे
खुले हाथों से वेलकम करेंगे कि आ जाओ गाइस, आप ही का वेट कर रहे थे, आपके बिना हम ये कोर्स कैसे करेंगे। ऑब्वियसली नॉट, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है, देयर ऑल्सो यू विल हैव टू यू नो गो अहेड एंड गिव सम काइंड ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट, राइट। सो यूजुअली मोस्ट बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स एक्सेप्ट जीमैट या जीआरई का स्कोर, तो आपको जीमैट देना पड़ेगा या जीआरई देना पड़ेगा। अगेन GMAT या GRE में भी कट ऑफ होता है, दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट दिस मच स्कोर, राइट। एंड मोस्ट सो योर GMAT का स्कोर या GRE का स्कोर या सम बी स्कूल्स ऑल्सो एक्सेप्ट CAT या SAT का स्कोर एज वेल, ओके। तो ये जो है दिस इज जस्ट अ कट ऑफ, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बट इसके बेसिस पे आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है। सो लेट्स से आई एम बैंगलोर का अगर हम देखें तो से 650 आई थिंक इज द बेसिक कट ऑफ फॉर GMAT। तो अगर आपका स्कोर 650 से कम है देन यू डोंट हैव अ चांस, जस्ट बिकॉज योर स्कोर इज बेटर देन 650 डजंट मीन, हायर देन स्कोर 50 डजंट मीन के अगेन दे विल बी वेलकमिंग यू, राइट। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कट ऑफ टू चेक whether a person is capable of, you know, continuing with something as heavy as an MBA, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि entrance exams है, but you have to be careful about again checking the cutoff and the kind of exams scores that they accept, ठीक है? So ये हो गया बात। तो अगर टेस्ट के बेसिस पे नहीं है तो किस बेसिस पे आपको वो एक्सेप्ट करेंगे या आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा? जस्ट लाइक योर रेगुलर एमबीए, यहाँ पर भी जीडी राउंड्स, पीआई राउंड्स होते हैं, आपका प्रोफाइल मैटर करता है, या यू वर्क समवेयर, व्हाट हैव योर कॉन्ट्रीब्यूशंस बीन, राइट। आप कैसे कैसे रोल्स में वर्क कर चुके हैं, वेर यू अ लीडर, वेर यू अ टीम प्लेयर, यस। आप कैसे प्रोजेक्ट्स में वर्क कर चुके हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, अपार्ट फ्रॉम जस्ट वर्किंग हैव यू डन एनीथिंग एल्स टू अपस्किल योर सेल्फ, राइट। तो ये सब कुछ भी मैटर करेगा, जस्ट लाइक योर रेगुलर एमबीए, आपका प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव एमबीए में भी मैटर करता है, यस। एंड इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम, सर क्या ये 2 years का फुल टाइम होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए दैट मींस यू कंटिन्यू वर्किंग, यू डोंट हैव टू टेक अ पॉज, यू डोंट हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्किंग, आप पैरेलली दोनों कर सकते हो। सो दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु कैन मैनेज वर्किंग एंड स्टडिंग एट द सेम टाइम। सो आपको या तो वीकेंड्स सैक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और यू विल हैव टू पिच इन ड्यूरिंग द वीक डेज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कोर्स एंड द ऑफर दैट यू पिक अप, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव स्पेसिफिकली स्पोकन अबाउट मोस्ट ऑफ इट एक्सेप्ट फॉर वन पार्ट। सर वुड देर बी एनी असिस्टेंस, वुड देर बी एनी हेल्प फ्रॉम सम प्लेस एल्स, राइट। सो अ लॉट ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट टॉप MNCs, एवरीबडी do give some assistance in terms of finance, right? So they sponsor if a particular employee is promising and has living up to the expectations of the organization and obviously in good books, so you can always go ahead and talk to your supervisor if they would want to sponsor your higher education, right? So most of the times this happens because instead of hiring somebody from outside as a management as a manager or a in the management role, वो ये प्रेफर करेंगे कि अपने खुद के ही एम्प्लॉय अगर अप द लैडर चल जाए, क्योंकि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस प्लस दिस डिग्री विल ऑब्वियसली हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग डे इन डे आउट एज वेल एज द बिग पिक्चर स्टफ, है ना। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए इज दैट, यू डू सम कंपनीज डू गिव सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द कोर्स, इफ नॉट दैट देन लोन्स आर अगेन अ लिटिल बेटर दैन एजुकेशनल लोन्स फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जॉब है, दैट बेसिकली मीन्स देर इज हायर चांसेस ऑफ यू पेइंग बैक द लोन विदाउट एनी डिफॉल्ट, है ना। सो बैंक्स विल नॉट हेसिटेट बिफोर गिविंग यू एन एजुकेशनल लोन, हायर एजुकेशनल लोन, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, या एंड अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन योर पास्ट एकेडमिक्स एंड योर करंट प्रोफाइल, राइट। So don't forget to check out the official website of those B schools. Un programs ka brochures download karo. Figure out what kind of courses they provide. And also do not forget to have a look at the kind of assistance or the kind of help they give for 3 things. 1, placement, right? If you are looking at getting placed elsewhere, aapki company chhod ke elsewhere, obviously you will be opting for that, right? So if you are opting for that, go check out ke kya wo placements dete hain या प्लेसमेंट सिर्फ असिस्टेंस देते हैं, राइट। सम टॉप बी स्कूल्स, आई एम बैंगलोर फॉर एग्जांपल, फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एमबीए, दे डू हैव ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आल्सो, है ना। सो यू हैव टू गो चेक आउट अगेन इन देयर वेबसाइट्स प्लेसमेंट्स के बारे में। नंबर 2, ई सेल, उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, वहाँ पे किस तरह का असिस्टेंस आपको मिलेगा एज somebody who's not a फुल टाइम MBA बट एन एग्जीक्यूटिव MBA aspirant, ठीक है। नंबर 3 इज योर अलुमनाई,
स्टेटस अलमनाई सपोर्ट अगेन, राइट? तो आप व्हेन यू पास आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, जब आप उस बी स्कूल से एमबीए का डिग्री, ई एमबीए जो भी डिग्री आप लेके निकल जाएं, तब आफ्टर दैट वुड यू हैव एनी असिस्टेंस, वुड दे स्टिल बी यू नो रेडी टू नेटवर्क विद यू, ऑल ऑफ दैट मैटर्स, राइट? सो दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू चेक अप. One tad bit issue could be the price, right? The fee for executive MBA is a little higher compared to your regular MBA in most colleges, and the major reason being that they're making a lot of shifts, right? They will be providing a lot of industry experts ko bulayenge, seminars karwayenge, right? The course curriculum will also a tad bit been improved or changed with respect to the kind of industry that you are a part of, right? So, and also because you are already a working professional, so it also seems fine that you'd be able to pay for it, right? तो ये चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए में आपको ध्यान में रखना है, राइट? सम एग्जांपल्स ऑफ योर यू नो एग्जीक्यूटिव एमबीए वुड बी योर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो आई एम बैंगलोर वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री, राइट? इसके अलावा इफ यू लुक एट एसपी जैन, वहाँ पे है आपका ई एमबीए, ई स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव. जो भी एमबीए या पीजीडीएम में आप ई देखते हो, पीजीपी में आप ई देखते हो, दैट यूजुअली स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव. बट अगेन डू नॉट फॉरगेट टू चेक द एक्चुअल ब्रोशर, ठीक है? ब्रोशर चेक कर लेना, ये द ई कुड स्टैंड फॉर एनीथिंग, सो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल दैट इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव, ठीक है? एंड यू ऑल्सो हैव योर PGPXPM, राइट? द एक्स ऑल्सो स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिव, या दैट इज इन ग्रेट लेक्स. इसके अलावा आपका ISB का PGP Max, राइट? PGP Max, MAX, दिस ऑल्सो इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर योर एग्जीक्यूटिव MBA. तो ये बात हो गई एग्जीक्यूटिव एमबीए की, इसे साइड करते हैं. लेट्स ब्रिंग इन वन ईयर एमबीए. वन ईयर एमबीए इज बेसिकली टू ईयर एमबीए श्रंक इनटू वन ईयर, है ना? तो दो साल में आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप पे इम्पार्ट करेंगे, नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, वो सब कुछ स्क्वीज डाउन करके एक साल में कर रहे हैं. सो बेसिकली whatever would happen in 365 into 2 would then be narrowed down to 365 into 1, right? But then the 1 year program is unlike your executive program, jahan pe aap you know non-residential kar sakte, aisa nahi hai. 1 year program is just like your 2 year program, jahan pe aapko in campus rehna padega, depending upon again the kind of college that you go, but most B schools prefer their students to be in campus. Residential program hi hota hai, where you go to the campus, you spend one entire year there, completing your degree, right? So this is very important. Kafi log samajhte hain ki executive MBA and 1 year MBA are the same. No, executive MBA, they give you the option of doing the course in the weekends or in the evenings. Part-time is also okay for them, right? But 1 year MBA, nahi. One entire year you have to spend at the campus. You have to be physically present there, right? Number two, again, in terms of fee, a little extra than your 2 year MBA, because obviously 2 saal ka content aapko ek saal mein de rahe hain, right? So that has to be there. It is a little extra load as well. क्योंकि नॉर्मली अगर आप कुछ काम 2 साल में करते हैं, उसे मैं आपको बोलूँ 1 साल में करो, तो लोड भी होगा, है ना? सो यू हैव टू बी रेडी टू टेक दैट लोड एज वेल, विच आई थिंक यू विल गेट यूज टू आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ बीइंग देयर, ठीक है? बट येस, अनलाइक योर एग्जीक्यूटिव एमबीए, 1 year एमबीए में आपको यू विल हैव टू टेक अ सबैटिकल. 1 year एमबीए के लिए भी बहुत सारे बी स्कूल्स एक्सपीरियंस मांगते हैं. यू हैव टू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years या 3 years, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बी स्कूल. अगेन ब्रोशर में चेक कर लेना, ठीक है? इसके अलावा लाइक आई सेड, एवरीथिंग एल्स वुड बी सिमिलर. यू विल गेट एन अलमनाई टैग, यू विल गेट यू नो प्लेसमेंट्स, यू विल गेट ई-सेल पे एक्सेस एज वेल, एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स जस्ट लाइक यू नो एनी एमबीए स्टूडेंट वुड, राइट? द 1 year एमबीए, अगेन उसमें भी आपको यू विल हैव टू गो थ्रू प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द बी स्कूल, डिपेंडिंग अपॉन वॉट दे एक्सेप्ट, ईदर GMAT और GRE और ऑल्सो योर CAT या ZAT, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बी स्कूल दैट यू गो फॉर. अगर आप NMIMS में करना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू गो थ्रू देयर NMAT प्रोसेस, द यूजुअल प्रोसेस फॉर योर फुल टाइम MBA, ठीक है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर 1 year MBA वुड बी ISB का PGP प्रोग्राम, राइट? या IIM अहमदाबाद का PGPX प्रोग्राम. सो ऑल टॉप बी स्कूल, सारे टॉप IIM, सारे टॉप बी स्कूल्स डू हैव देयर 1 year प्रोग्राम एज वेल. दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जिनके पास
they are ready to put in the efforts, but they and the financial side is also strong, but then they do not have the time, right? 2 saal spend karne ke liye unke paas nahi hai. They want to quickly finish this in a year and then continue working, or you know, take a shift, or you know, get into a startup, or do start something of their own entrepreneurship. So all of that is similar to your 2-year MBA, except for a few factors here and there. So I hope this particular video helps you. Agar aapke paas aur koi bhi questions hai, queries hai, feel free to drop it in the comment section, and I'll be more than happy to help you with that. All the very best, guys. Cheers.